नमस्कार, मैं भारत के मशहूर चैनल मायोपचार से डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। हमारे पास रोज़ाना बहुत सी महिलाओं के प्रश्न आते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन प्रश्नों के जल्दी से जल्दी आपको उत्तर भेजें। बट एक प्रश्न जो है वो हमें लगातार मिलता रहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे जो पीरियड्स हैं वो टाइम से नहीं आते हैं और टाइम से कई बारी पहले आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये इसी विषय पे है कि अगर आपके पीरियड्स समय से पहले आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं और इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके पीरियड्स की साइकिल 21 दिन से 38 दिन के बीच में कभी भी है तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब है कि अगर आपके पीरियड्स जो हैं हर 21 दिन में आ रहे हैं या हर 25 या 26 दिन में आ रहे हैं या आपके पीरियड्स हर 38 दिन में आ रहे हैं और शुरू से ही ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है और आपको कोई भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि एक या दो महीने से या हो सकता है इसी बार आपका जो पीरियड है वो समय से पहले आ रहा है या हो सकता है कि इसी महीने आपका पीरियड जो है वो समय से पहले आ गया है, तो इसके बहुत से कारण होते हैं और इनको जानना ज़रूरी है। पीरियड्स जल्दी आने के जो भी कारण हैं मैं विस्तार में उनके बारे में बताऊँगी। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मायोपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हो सकता है कि इन कारणों में से उम्र एक कारण हो सकता है या हॉर्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है एक ही कारण भी हो सकता है, या आपके जो लाइफ में कोई नया स्ट्रेस या कोई नया नई परेशानी आई है, आपकी जीवन शैली में बदलाव आया है, या हो सकता है कि आपको कोई स्त्री रोग यानी गायनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है। सबसे पहले हम उम्र की बात करते हैं। उम्र का मेरे मतलब है कि अगर आपकी उम्र 10, 12, 13 साल की है या आपकी उम्र 45 से 55 साल की है तो इस समय आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स है उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे होते हैं। तो इस समय अगर आपका पीरियड जो है वो टाइम से पहले आ रहा है तो ये नॉर्मल है, ये हो सकता है और इसमें आपको कोई खास इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ समय दीजिए अपने शरीर को और ये अपने आप से ठीक हो जाएगा। कई बारी हमारे शरीर में हॉर्मोन्स का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और इस कारण भी आपका पीरियड जो है वो टाइम से पहले आ सकता है। हॉर्मोनल इम्बैलेंस से मेरा क्या मतलब है कि ये जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, ये एक तरह के केमिकल होते हैं और हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाओं को ये हॉर्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। इसलिए अगर हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा पीरियड जो है उसमें भी बदलाव आएगा। अब हॉर्मोन्स का बदलाव हमारे शरीर में कब हो सकता है? हो सकता है कि हाल ही में आपने कॉपर टी लगवाया हो जो एक गर्भ निरोधक प्रक्रिया होती है, या हो सकता है कि आपने अभी के अभी गर्भ निरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सेक्स करते समय कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की हो और आपको ये लग रहा हो कि अगर आप कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाएं और इस समय इमरजेंसी में आप जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जो अनवांटेड 72 या आई पिल के नाम से मिलती है, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया हो, तो ये सारी ही कंडीशंस में, सारी ही परिस्थितियों में आपके शरीर के हॉर्मोन्स में काफ़ी बदलाव आ सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा इस समय ये जानना है कि जब हम ये चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हॉर्मोन्स का बदलाव तो होता है पर धीरे धीरे हमारा जो शरीर है वो इस हॉर्मोनल इम्बैलेंस को अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। तो इस समय आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम इस कारण है, बट कुछ समय दीजिए अपने शरीर को, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी और शरीर एडजस्ट कर लेगा। अब एक और हार्मोन होता है जिसके बदलाव से भी हमारे पीरियड्स जो हैं वो समय से पहले आ सकते हैं और वो है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का बदलाव आएगा तो हमारे पीरियड्स जो है इरेगुलर हो सकते हैं, समय से पहले आ सकते हैं। अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होती है उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब इन दोनों ही परिस्थितियों में आपका पीरियड जो है वो समय से पहले आ सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपना थायराइड का टेस्ट करवाइए, और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम निकलती है तो इसकी दवाई है और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आपको लगातार डॉक्टर की सुपरविजन में ये दवाई थायराइड की खानी होती है।
बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि कई बारी शुगर की प्रॉब्लम भी हमारे पीरियड्स को इरेगुलर कर सकती है और पीरियड्स आपके जो है वो टाइम से पहले आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी परेशानी है तो डॉक्टर से मिलकर अपना शुगर का भी टेस्ट कराएं, और अगर आपकी शुगर की प्रॉब्लम निकलती है तो आपको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जो दवाइयों के रूप में भी हो सकता है, डाइट के रूप में भी हो सकता है और एक्सरसाइज के रूप में भी हो सकता है। पीरियड जल्दी आने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और भी कारण होता है, और वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी आपको दिमाग में कुछ तनाव चल रहा है। ये तनाव के कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप स्कूल में जाते हैं, आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, या हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी मिली है, उसका स्ट्रेस या उसका तनाव आपके मन में चल रहा है, या हो सकता है कि आपकी अभी भी शादी होने वाली हो या आपकी नई नई शादी हुई हो और एक नए घर में जाने का स्ट्रेस आपको हो रहा है। तो इस समय भी कई बारी ऐसा होता है कि आपका जो पीरियड है वो समय से पहले ही आ जाता है। तो थोड़ा बहुत इस समय आपको अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है। स्ट्रेस तो जीवन में आता ही है और उससे आपके हॉर्मोन्स में बदलाव आ सकता है, बट धीरे धीरे अगर आप योगा, मेडिटेशन या अपने माइंड को स्ट्रांग रखेंगे तो ये स्ट्रेस में आराम मिलेगा और आपके जो हॉर्मोन्स का बैलेंस है, आपके जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा पीरियड्स जल्दी आने का मैंने एक और कारण बताया था, और वो था कि जीवन शैली में कुछ बदलाव आए हैं। हो सकता है कि आपका जो वज़न है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, या आपका वज़न जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गया हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपके जो हॉर्मोन्स हैं उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि वेट लूज़ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपके शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है उसमें हॉर्मोन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, और आपके पीरियड्स जो है कई बारी रुक जाते हैं, और अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो वो टाइम से पहले आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी डाइटिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करने के लिए आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो एक संतुलित आहार लेकर लगातार 30 से 40 मिनट की हफ्ते में 3 या 4 बारी सैर करके, योगा करके आप वो कोशिश करिए। वैसे करने से ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपका शरीर और आपके हॉर्मोन्स भी कंट्रोल में रहेंगे। आखिर में हो सकता है कि वाकई में ही आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई स्त्री रोग है जिस कारण आपके पीरियड्स जो हैं वो समय से पहले आ रहे हैं। अगर हम गायनी प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो एक परेशानी होती है कि कई बारी हमारे बच्चेदानी के अंदर रसौली, जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, या कई बारी पॉलिप बन जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो उस समय भी आपका पीरियड है उसके जो साइकिल है उसमें एकदम से कुछ महीनों में ही बदलाव आ जाएगा, और आपके पीरियड्स जो है उनमें जो फ्लो है ब्लड का वो भी बढ़ जाएगा, और पीरियड्स जो है समय से पहले आने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको डॉक्टर से मिलकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर देख लेंगे कि अगर आपकी रसौली या पॉलिप है तो वो कितने साइज़ का है और उसके लिए आपको क्या उपचार करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अंदर एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी हो। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी गायनी की प्रॉब्लम होती है जिसमें श्रोणि में आपका खून जमता है और आपके पीरियड्स में जो ब्लीडिंग है वो भी बढ़ जाती है, और पीरियड्स जो है वो ज़्यादा आते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। तो इस परेशानी को भी आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें, डॉक्टर से मिलिए और आप अपना उपचार करवाइए। एंडोमेट्रियोसिस और बच्चेदानी में फाइब्रॉइड यानी गांठ, इन दोनों ही विषयों पे हमने विस्तार में वीडियो बनाए हैं जिनके लिंक आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इन लिंक पे जाकर सारी जानकारी इन प्रॉब्लम्स के बारे में ले सकते हैं। इसके अलावा कई और प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें भी हमारा पीरियड जो है वो समय से पहले आ सकता है, कि हो सकता है कि आपके अंदर कोई योनि में या बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो, बच्चेदानी में सूजन हो। इन सारी परिस्थितियों में कई बारी बच्चेदानी के अंदर और जो बच्चेदानी का मुंह है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उस पर एक ज़ख्म बन सकता है, और इस समय इस ज़ख्म से भी कई बारी ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमें लगता है कि हमारा पीरियड जो है वो जल्दी आ गया है, बट एक्चुअली में सच्चाई में ये होता है कि उसी ज़ख्म में से ब्लीडिंग हो रही है जो आपको दिखती है, और आप सोचते हैं कि मेरा पीरियड टाइम से पहले आ गया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप सेक्स करते हैं तो उस समय भी इस ज़ख्म के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है और आप सोचते हैं कि ये तो मेरा पीरियड है। बट अगर आपको ऐसी परेशानी है
जिसमें आपको पेड़ों में दर्द है या भारीपन है या सफ़ेद गंदा पीला पानी आ रहा है और आपका पीरियड भी है जो सही से नहीं आ रहा, टाइम से पहले आ जाता है, तो इन सब का कारण बच्चेदानी में सूजन या कोई इन्फेक्शन ही हो सकता है। तो इस समय डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, अपने अंदर की जांच करवाइए। अंदर की जांच करने पे डॉक्टर ये ज़ख्म को देख पाएंगे, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी देख सकते हैं, तो दोनों ही स्थिति में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स देंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं है, एंटीबायोटिक्स लेकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बट इसको नेग्लेक्ट या नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करिए। इस वीडियो के आखिर में मैं दो चीज़ें और ज़रूर बोलना चाहूँगी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि दो कारण ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता तो है कि आपका पीरियड जल्दी आया है, जैसे इसी महीने आपका पीरियड जल्दी आ गया, बट कारण कोई और होता है, वो पीरियड नहीं होता। और ये कारण ये हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो कई बारी पीरियड आने से 4-5 दिन पहले अगर आपको हल्का हल्का दाग पड़ रहा है तो ये पीरियड नहीं होता, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब है कि जब भ्रूण जो है बच्चेदानी के अंदर चिपक जाता है, उसकी परत में चिपक जाता है, तो कई बारी हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग आपके पीरियड आने से, जो आपके नॉर्मल पीरियड आने से कुछ दिन पहले ही होता है, समझिए कि 4-5 दिन पहले। तो आप सोचते हैं कि मेरा पीरियड जल्दी आ गया, पर सच्चाई में आपकी प्रेगनेंसी होती है और ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नॉर्मल है, कई महिलाओं में होती है, कई महिलाओं में नहीं भी होती है, और इसके लिए आपको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। और एक दूसरी स्थिति होती है जिसमें आपको इलाज की ज़रूरत होती है और वो होती है मिसकैरेज यानी गर्भपात। कई बार ऐसा होता है कि आपका पीरियड आने का समय होने वाला है और पीरियड से कुछ दिन पहले आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप सोचती हैं कि मेरा पीरियड जो है वो टाइम से पहले आ गया, बट सच्चाई में आपकी प्रेगनेंसी हुई होती है और कुछ कमज़ोरी या कोई कारण से आपका गर्भपात हो रहा होता है। तो अगर ऐसा आपको शक है कि आपकी प्रेगनेंसी ना हो तो उस समय तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करिए और डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन आपको देंगे जिससे आपका गर्भपात जो है वो रुक सकता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मायोपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे।